कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मैं कर रही हूँ अपने वीडियो की एडिटिंग। तो और आद्या को लगा दिया है खेल में, तो अपनी डॉल के साथ खेल रही है। इसी बीच में मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए आद्या प्ले कर रही है अपनी डॉल के साथ में, तो कुछ इस तरीके से वो खेला करती है और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो जैसे ही मेरा वीडियो एडिट हो रहा है वैसे ही इसको मैं सेव पे लगा दूंगी। और खाना खाने का टाइम हो चुका है, मतलब मुझे भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव पे लगा दूंगी, यानी सेव होने दूंगी वीडियो को। और फिर किचन में जाऊंगी अपने लिए रोटी बनाने, क्योंकि मैं सब्जी ऑलरेडी बना ही लेती हूँ। सुबह जब मेरे हस्बैंड स्कूल जाते हैं वो लेकर जाते हैं, तो वो सब्जी मेरी बनी हुई रखी होती है। तो इसको मैंने एडिट करके सेव पे लगा दिया है और यहाँ मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने। तो मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि आप हमेशा आलू की सब्जी बनाते हो, क्या आपको आलू बहुत पसंद है। आई थिंक सभी के घर में आलू बहुत बनते होंगे, आलू के बिना मतलब काम नहीं चलता है। हाँ, कभी पनीर खा लिया, कभी कोई और सब्जी खा ली, दाल खा ली, राजमा खा लिए, छोले खा लिए, लेकिन आलू ज़रूर बनता होगा। तो यहाँ पे मैंने आज जो आलू की सब्जी बनाई थी वो बिना छीले हुए आलू की बनाई थी, मतलब आलूओं को छीला नहीं था, अच्छे से वॉश किया था फिर उसकी बनाई थी। और अभी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूँगी। और गाइस बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, और बहुत से लोगों के यहाँ बनती होगी, जिसके यहाँ ये वाली सब्जी बनती है तो ज़रूर बताना, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं फटाफट अपने लिए रोटियां बना ले रही हूँ, आद्या को भी खिलाऊंगी। तो चलिए वेरी गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं और मेरा गला बहुत खराब हो चुका है, आवाज से पता चल रहा होगा। मेरी तबीयत ना 2-3 दिन से लगातार खराब हो रही है। अभी अभी थोड़ा सा जुकाम मेरा ठीक हुआ है, तो थोड़ा सा आराम है, ज्यादा नहीं, लेकिन मेरा गला है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और ये रखी है देखो पीछे बाम, ये बाम रखी है जो मैं रोज लगा रही हूँ, मैं भी लगा रही हूँ पतंजलि की। मैं भी लगा रही। हाँ, लेकिन ये वाली अध्याय को नहीं लगाते हैं, अध्याय के लिए बेबी रब लगाते हैं बच्चों वाली, और मैं ये लगाती हूँ क्योंकि ये ज्यादा हार्ड होती है, मतलब बहुत तेज लगती है। मैं बस लगा लेती हूँ और थोड़ी देर ऐसी जलन मस्ती है कि पता नहीं सकती मैं कितनी जलन मस्ती है। और अध्याय अब ठीक है और अध्याय मंडे से स्कूल जाएगी, अभी मैं नहीं भेज रही हूँ ताकि पूरी तरीके अच्छे से ठीक हो जाए। और आज फ्राइडे है और कल सैटरडे, और संडे के बाद मंडे को ये स्कूल जाएगी। ठीक है, आप मंडे को स्कूल जाओगे ना। और थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, तो जुकाम जैसे जैसे ठीक हो रहा है मेरा, वैसे खांसी बढ़ रही है और उस खांसते खांसते मेरा गला खराब हो चुका है। तो अभी बस मैंने अपना एक वीडियो है उसको एडिट किया है, और उसके बाद फिर मैंने अपना खाना बनाया और मैंने खाया है, आद्या को खिलाया है, और आद्या ने अभी थोड़ी देर पहले दूध भी पिया है। और मैं अभी बैठ के टीवी देख रही हूँ। और घर की जो क्लीनिंग है वो पूरी घर की क्लीनिंग मैंने आज सुबह की थी, और मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना कि पुतली बंदी रखी हुई है कपड़ों की प्रेस करने की, तो मैं प्रेस करूँगी, बस वो आज भी बंदी हुई रखी हुई है, ये देखिए यहाँ पर। और वो इसलिए रखी है क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं ठीक रही, मैं कुछ कर ही नहीं पाई कि मैं प्रेस कैसे करूँ। तो मेरे ही कपड़े हैं घर, मतलब मेरे ही कपड़े हैं, डेली वाले भी हैं और कुछ नई कुर्तियाँ हैं,
तो मैं कपड़े बाहर प्रेस करने के लिए नहीं भेजती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो हस्बैंड के साथ मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं थी कि मेरे ही तो थे, घर वाले ही थे, तो मैं कर लूंगी बाद में। तो मैंने अभी बंदी भी रखी हुई है, तो देखते हैं आज कोशिश करेंगे, तो अगर हो गया तो मैं आज ही प्रेस भी कर लूंगी। और पता है जैसे कि ब्लैंकेट, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, रजाई है, ब्लैंकेट है, एक रजाई और एक ब्लैंकेट निकला है। पर मैं अभी मैं रजाई ओढ़ती नहीं हूँ, बहुत चुप हो जाओ, अभी मैं रजाई ओढ़ती नहीं हूँ, लेकिन निकाल ली है। तो नीचे एक पॉलीथिन बिछाई है, उसके ऊपर तो मैंने उसकी सेटिंग यहाँ की है, और इस पे मैंने नीचे एक पॉलीथिन बिछाई है, और उसके ऊपर रजाई, फिर कंबल और कुछ चादर और बेडशीट वगैरह है वो रखी है। ये पोटली मैंने इसी पे ऐसी रख दी है। एक्चुअली ना यहाँ पे रैक बननी है, रैक यहाँ पे है नहीं, पता नहीं कब बने, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब ओनर को लगेगा कि हाँ अब बनवाना है तो वो बनवाएंगे। तो हाँ, यहाँ एक भी अलमारी भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे सामान। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इस टाइम सर्दी में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। और सब पूरा रूम क्लीन है, क्लियर है, साफ सुथरा, पूरा घर साफ है। मेरे राधा खुश है, खुश है, खुश है। लिए और थैंक यू सो मच, आप सब लोग बहुत छोटी प्यार दिया। आज यहाँ तबीयत खराब थी, जब माली, मेरी तबीयत खराब थी, आपने बहुत अच्छी चीजें घर की रेमेडी बताई। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच। कितना प्यार करा जरूर हाँ, कमेंट में बताना, नेक्स्ट में बाय बाय, इतना टेक प्यार किया आप लोगों ने, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, यही बोला ना। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया। तो चलिए केयर। फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ओके, बस अभी शाम का टाइम हो चुका है, मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए चाय, और मुझे प्यास भी बहुत जोर से लगी है। तो मैं ना सुबह से ना गर्म पानी पी रही हूँ, ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ, मतलब ठंडा मतलब जो फिल्टर पे ताज़ा भरता है पानी, वो भी नहीं पी रही हूँ। उस फिल्टर से पानी निकाल कर मैं थोड़ा सा गुनगुना करती हूँ, फिर पी रही हूँ। इससे थोड़ा सा तो आराम मिलेगा ही मुझे। तो यहाँ पे मैंने चाय के लिए पानी रख दिया है, और यही पानी को मैं चाय पत्ती और चीनी डालने से पहले थोड़ा सा निकाल लूँगी पीने के लिए, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चाय, चाय की मतलब चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती और चीनी और अदरक। तो अदरक वाली चाय मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और आई थिंक सर्दियाँ हैं तो सभी के यहाँ बनती होगी। और मैं अभी चाय बना लूँगी, साथ ही साथ मुझे खाने का मन कर रहा है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के नहीं, जो कॉर्नफ्लेक्स भुना जाता है वो, तो मैं उनको उसको तल के उसमें काला नमक डालकर खाती हूँ। कभी कभी मैं मखाने भी ले लेती हूँ शाम की चाय के साथ। तो यहाँ पे मेरी धीमे धीमे चाय बनती रहेगी, तब तक मैं बैठ के आराम से चाय पी लूँगी। और मेरी किचन में ये वाला एरिया ना बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ अच्छा लगता है। और मैं अपना पानी भी यहाँ पर बैठ के पी ले रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा ही लगता है ये वाला पानी, पता नहीं क्यों, लेकिन प्यास नहीं बुझती है। तो इस टाइम मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में एक कमेंट आया था एक व्यूवर का, मुझे नहीं लगता कि शायद वो मेरी सब्सक्राइबर हो, आई डोंट नो, बट एक व्यूवर का कमेंट आया था कि दुनिया में केवल यही एक अनोखी औरत है जो कि बीमार है, और दुनिया में कोई बीमार होता ही नहीं है, कुछ दुआएं उनके लिए भी कर लो। तो जी हाँ, हर इंसान बीमार होता है, हर इंसान मतलब पत्थर का नहीं होता है, बीमार सभी होते हैं, और बीमारी कब आए किसी को नहीं पता चलता, कौन चाहता है कि वो बीमार रहे। तो इसलिए ऐसे कमेंट करके ना थोड़ा सा दिल दुखता है, और थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है, और ऐसे कमेंट रीड कर लो तो ना और मूड ख़राब हो जाता है। तो कभी कभी मन नहीं करता है कि कभी भी अपने वीडियो में ये भी दिखाओ कि हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब मैं बीमार हूँ, ऐसा लगता है। तो बस वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि मतलब वीडियो डालो ही नहीं, अगर 4 दिन बीमार है तो 4 दिन ना वीडियो नहीं डालो, ना ही कॉमेडी टाइप में मतलब पोस्ट करूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ, या फिर झूठ बोलना शुरू कर दो कि हाँ मैं वीडियो डाल नहीं रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, मतलब रियल लाइफ में दिखा रही है। तो रियल लाइफ में मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक अनोखी नहीं हो गई हूँ, सर्दियाँ हैं, सभी लोग बीमार होते हैं, तो मैं हो गई हूँ। तो मैंने अपडेट दी है आप लोगों को, तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, तो मुझे सपोर्ट करते हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए ना, मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि आप मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स फ्राई कर दो, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा फ्राई करने का, मेरा खाने का सिर्फ मन कर रहा है। तो वो देखिए ना कितने क्लियर कायदे से फ्राई कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को ना कुकिंग बहुत अच्छी लगती है और कुकिंग करना भी बहुत अच्छे से आता है। तो देखिए कितने कायदे से उन्होंने मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स फ्राई कर दिए हैं। तो अब मैं आके अपना चाय वगैरह छानूंगी और कॉर्नफ्लेक्स लूँगी। कॉर्नफ्लेक्स में मैं डालूंगी काला नमक और बैठ के शाम की चाय इंजॉय करूंगी। चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में रात का डिनर की तैयारी करने। तो डिनर में मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, सिंपल सी बनाऊंगी, मतलब और कुछ नहीं बनाना, दाल बनाना है, रोटी बनानी है। तो अक्सर मेरे यहाँ दाल बनती है और आप लोग पता है और बहुत से लोग यहाँ बनती भी होगी, तो मैं क्या शेयर करूँ रोज रोज दाल वगैरह। तो इसलिए मैं बस आपके साथ दाल की रेसिपी जो है ना वो शेयर नहीं कर रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में, आद्या सो रही थी और सो के उठ चुकी है। मेरे हस्बैंड चाय वगैरह पीने के बाद मार्केट गए हैं मेरी मेडिसिन लेने और आद्या की मेडिसिन लेने और सब्जी लाने। तो वो सब्जी वब्जी लेके आ जाएंगे तब खाना ना लगाएंगे तो वो खाएंगे। तो यहाँ पे ये ब्लैंकेट है, इन्हें तुरंत के तुरंत मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, वरना सारा दिन ना बेड ना फैला फैला लगता है। तो यहाँ पे मैं रख दूंगी उसको उठाकर। और आद्या कह रही है कि मुझे मुझे फ्रॉक पहननी है क्योंकि मैंने लगा लिए हैं गाने, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो मैं गाने लगा लेती हूँ और जब भी मुझे प्यास लग रही है मैं तो गुनगुना पानी करके पी रही हूँ। और बस बस चाहती हूँ कि ना ठीक हो जाऊँ और कुछ नहीं, बस यही चाहती हूँ। लेकिन फिर भी ना कुछ लोग आके कमेंट कर देते हैं कि बीमार रहती है तो क्यों बनाती है वीडियो। तो यहाँ पे ना आधे जिद कर रही है मुझे ये फ्रॉक पहना दो और कपड़े उतार दो, सिर्फ हाफ वाली फ्रॉक पहना दो, इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी कह रही है मुझे फ्रॉक पहना दो ये वाली। तो मैंने बोला तभी पहनाऊंगी जब तू स्वेटर के ऊपर ही पहनोगी। बस कुछ मिनट के लिए पहनती है, डांस करती है, फिर निकाल के रख देती है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्वेटर के ऊपर ही पहना दिया है। एक्चुअली ना उसे डांसिंग का बहुत शौक है, जैसे ही म्यूजिक बजता है तो उसे लगता है कि खूब लहंगे जैसा फ्रॉक हो या लहंगा हो ऐसे कपड़े पहन के वो डांस करे। तो इसलिए मैंने इसको पहना दिया है और उसका मन पसंद मैं गाना लगाने वाली हूँ। तो गाना जब नहीं लगता है तो वो चिड़चिड़ाती है। फ्रेंड देखा आपने आद्या की शरारत, तो वो चाहती है सिर्फ मैं ही डांस करूं, मम्मी इसमें डांस ना करे। वो जब कभी म्यूजिक लगवाती है और कपड़े वगैरह ऐसे पहनती है तो अकेले ही डांस करती है, आप मत करो बस। तो इसलिए वो देखिए कैसे जिद कर रही है कि मम्मी आप हट जाओ। लेकिन मैं भी ना थोड़ी सी शरारत कर लेती हूँ आद्या के साथ में और मेरे लग भी गई है बहुत तेज। फिर आद्या कहाँ मानने वाली, मैं भी उसको बहुत चिढ़ा रही हूँ। मजा आता है कभी कभी ऐसी हरकतें करने में, है ना। तो ये है सब्जियां जो कि हस्बैंड जी लेकर आए हैं, जिनको मैंने आलू को तुरंत तुरंत धुल दिया है, मेथी को तुरंत नहीं धुला है क्योंकि अगर मैं इसको धुल देती तो जल्दी खराब होने का डर रहता है। तो मैं इसे कल साफ करूंगी पहले अच्छे से, फिर मैं काट के फिर धुलूंगी। उसके बाद ये है हरी मिर्ची और ये है मटर। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ, आलू धुल दिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गंदे थे। और जो मेरा किचन है वो एकदम साफ है, इसके जो स्टैंड है वो मैंने धुल दिए हैं और दूध भी आधा के लिए बॉयल हो चुका है। सो गाइस अभी 9:30 बज रहे हैं, नहीं 9:40 हो गया, थोड़ा सा जल्दी काम हो गया तो अच्छा लग रहा है मुझे। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने और उसके बाद मैं सोने थोड़ा सा अपना स्किन केयर रूटीन करूंगी नाइट वाला। और आधे मुझे बुला रही है ऐसे ऐसे, मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ ऐसे बुला रही है। और अब भी मेरा गला थोड़ा ठीक लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने लगातार गर्म पानी पिया। जितनी बार मुझे प्यास लगी गर्म पानी, हालांकि पिया नहीं जाता है गर्म पानी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक बार पी लो तो ठीक है, अब जब भी खाना खाया या कुछ भी किया तो बस गर्म पानी पिया, तो इस वजह से प्यास नहीं बुझती है, बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मतलब मैंने पूरा पूरा गर्म पानी लिया है
सॉरी, खाना खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद या नॉर्मली प्यास लगी तब भी मैंने हल्का सा गुनगुना करके पानी लिया है। उससे मेरा गला थोड़ा सा आराम है, अभी आवाज थोड़ी ठीक ठीक लग रही है ना। और दवाई जो मेरी जो सिरप थी खांसी की वो खत्म हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड जी ले आए हैं तो मैंने वो भी पी ली है। और सब्जी तो दिखाई दी, वो लेकर आए हैं, तो हस्बैंड जी दवाई लेने गए थे मेरी और आद्या की जो खत्म हो चुकी थी वो। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपने इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और मेरे हस्बैंड अभी काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। ठीक है, बाय बाय।